Hey guys, welcome back to our channel. क्या हाल है सबके? बहुत देर हो गई, कोई वीडियो कोई स्ट्रीम नहीं हो पाई, मुझे पता है. जस्ट बिकॉज एक अपडेट, मैं जा रहा हूँ फाइनली कैनेडा. मैं जा रहा हूँ MBA करने एंड मैं कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ कैनेडा वैसे MBA. मेरा सेशन स्टार्ट होगा 4th of July को. हाँ, और मैं 15th of June को जा रहा हूँ यहाँ से. सो अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, पहली मेरी इंडिया टू कनाडा की तैयारी की वीडियो, जिसमें मैं सारी पैकिंग वगैरह सब कुछ अभी करने वाला हूँ. एंड जो मैं लेके जा रहा हूँ, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स के अलावा बेसिकली सब कुछ, सिर्फ जो किचन वेयर है हमारे, जो बर्तन है, उसके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, मैं सब कुछ इस वीडियो में कवर करने की ट्राई करूँगा. सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना. एंड हाँ, जिन जिन ने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब से इस चैनल पे सिर्फ इंडिया टू कनाडा आपको डेली व्लॉग्स मिलेंगे. दूसरा, आपको सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलेंगी, UCW के रिलेटेड वीडियोज़ मिल जाएंगी. जो मैं एक्सपीरियंस करूँगा वो मैं ट्राई करूँगा आप सबको बताने का, क्योंकि 2023 में मैं जा रहा हूँ. एंड बहुत सारे वीडियोज़ मुझे पता पहले भी हैं जो कि वहाँ पे गए हैं और ऑलरेडी वो अपना जो है वो कंटेंट डाल रहे हैं. सो हम भी ट्राई करेंगे कि क्यों ना आपको अपनी साइड से कनाडा दिखाया जाए, क्योंकि सबका एक्सपीरियंस सेम नहीं होता. एंड यू नेवर नो कि आपको किस यूट्यूबर से सबसे ज़्यादा जो है वो कनेक्ट फील हो, एंड सबके अपने अपने व्यूज़ हैं, सो वाई नॉट. एंड उसके अलावा भाई हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाओ, क्योंकि कंटेंट इस चैनल का बिल्कुल चेंज हो चुका है. एंड जो रीच है वो थोड़ी बहुत चाहिए हमें भी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास वीडियो पहुँचेगी थोड़ी तो मज़ा आएगा, मतलब बहुत मोटिवेशन मिलती है वीडियोज़ बनाने की. सो व्लॉग्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, सो डू वॉच द वीडियो. एंड इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं पूरा बताऊंगा कि क्या क्या क्लोथिंग में मैं लेके जा रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम यूटेंसिल्स. मैं फिर से बोल रहा हूँ, किचन वेयर नहीं है. इसके अलावा आपको नीचे, क्योंकि आज है 24th 23 मई है जब मैं शूट कर रहा हूँ, एंड एक दो दिन में ये वीडियो आ जाएगी, तो 25-26 होगा जब आप ये वीडियो देख रहे हो. सो कुछ भी आपका सजेशन होगा, अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा लेना चाहिए, प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना. अगर आपको लग रहा है कि कुछ कम लेना चाहिए तो भी बता देना. कुछ भी सजेशन हो, कुछ भी आपकी क्वेरी हो, आप प्लीज़ मुझे बताओ. इंस्टाग्राम का मेरा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. कोई भी डाउट हो मेरे को DM कर सकते हो. अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं करने को, ये 10-15 दिन मुझे कुछ काम नहीं है. सो जितने कमेंट्स आएंगे, जितने DM आएंगे, मैं ट्राई करूँगा सबका रिप्लाई करने का. सो चलो लेट्स गेट टू द वीडियो. मैं आपको बताता हूँ एक एक चीज़ करके क्या कितनी क्वांटिटी में मैं लेके जा रहा हूँ. ब्रांड्स के ऊपर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि जिसका जो मन है वो ले सकता है, वो सबका अपना अपना रहता है. सो ब्रांड्स नहीं बताऊँगा, जस्ट टाइप एंड द पर्पस अकॉर्डिंग टू मी वो शेयर करूँगा आपके साथ. सो लेट्स गेट टू द वीडियो. ओके गाइस, तो स्टार्ट करते लगेज से. मेरे पास हैं ऐसे दो सूटकेस, मैंने सेम मंगवा लिए थे. मैंने इनका पूरा एक्चुअली सेट मंगवाया था. इसमें तीन आते हैं, एक लार्ज, एक मीडियम और एक स्मॉल. तो दो लार्ज आ गए मेरे पास, और जो स्मॉल वाला है उसको मैं यूज़ कर लूँगा एज अ कैबिन बैग. वो भी डिटो सेम है, आई थिंक वहाँ पर पड़ा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो छोटा वाला बैग है वो इस टाइप का है कुछ ये, ठीक है. सो ये हो गया. तो ये दोनों हार्ड केस हैं, मुझे सॉफ्ट वाले बिल्कुल पसंद नहीं है. मेरे पास एक पहले एक सॉफ्ट वाला पड़ा था किसी एक ब्रांड का, बट उसमें बिल्कुल ऐसे सेंटर से कट लग गया था. वो मुझे आज तक नहीं पता कि वो कैसे लगा, या तो आई थिंक कुरियर वाले से लगा या तो मेरे से लगा खोलते हुए, बट हाँ वो चीज़ें उसमें हो जाती हैं, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं रहती. और हाँ गाइस, जब आप लगेज लोगे तो याद रखना एक TSA लॉक आता है. TSA लॉक आपको बहुत सारे लोग बताएंगे TSA लॉक, बट एक्चुअली यूज़ क्या TSA लॉक का मैं आपको बता देता हूँ. जैसे ये हमारे पास लॉकिंग पूरा अपना मैकेनिज्म है, ठीक है. इसके साथ एक ये रहती है, की लगाने की एक जगह रहती है, ठीक है. ये की लगाने की एक जगह रहती है. इसकी की आपके पास नहीं होगी, सूटकेस में नहीं आती, बट इसकी जो की है वो हर एयरपोर्ट जो वहाँ पे अपने सिक्योरिटी वाले होते हैं उनके पास इसकी की रहती है. अगर उनको आपके लगेज में कुछ सस्पिशियस लगेगा, सो दे कैन ओपन इट विदाउट हैम्परिंग विद द लॉक. वो आपका सूटकेस खोलेंगे, एक बार वेरीफाई कर लेंगे अंदर क्या सामान है, एंड दे विल क्लोज इट अगेन एंड लॉक इट अगेन. ओके, सो उसमें कोई ज़्यादा हैसल नहीं होगा. अगर TSA नहीं होगा, सो दे कैन ब्रेक दिस थिंग और फिर वो आपका सूटकेस खोलेंगे, एंड देन दे विल टाई इट अप. तो उससे आपका सामान लॉस होने का या फिर सामान लॉस हो सकता है, सूटकेस आपका खराब हो जाएगा. सो वो सब प्रॉब्लम रहती है. डोंट
फॉरगेट टू बाय अ TSA लॉकमैन. ये सफारी का बैग है, सफारी इसका ब्रांड है एंड मुझे मिल गए थे, अच्छी डील थी तो ये चीज़ मैंने खरीदी है, ये दो. लेट्स कम टू द क्लोथिंग. सबसे पहले जीन्स, मिक्स जीन्स लिए मैंने, मतलब कुछ जीन्स है कुछ फॉर्मल है, थोड़ी सी सेमी फॉर्मल. ये नॉन डेनिम है, एक थोड़ी सी ग्रेइश कलर की मुझे काफ़ी अच्छी लगती है. एक ये ब्राउन कलर की है मेरे पास, ये भी कार्गो टाइप स्टफ है, थोड़ा सा ऐसे मतलब कैजुअल वेयर में. एक ब्लू जीन्स है मेरे पास, एक ब्लैक है, सिमिलर एक और ब्लैक जीन्स है मेरे पास पर वो अभी यहाँ पे है नहीं, उसको भी मैं इंक्लूड करूँगा. और मैं प्लान कर रहा हूँ एक इसमें ब्लू जीन्स और डालने की, सो टोटल हो जाएगी मेरे पास 4 2 6 जो है मेरे पास पैंट्स प्लस जीन्स हो जाएंगी, ठीक है. इसके अलावा मैंने वैक्यूम करके रखा हुआ है, हम आते हैं थोड़ा हुडीज़ की साइड आते हैं. मैंने वैक्यूम करके रखा हुआ, इसमें एक जैकेट है, ये पफर जैकेट है मोटी वाली, मतलब जिसमें वो हवा भरी रहती है तो उसमें ताकि वो स्पेस कम ले मैंने इसको वैक्यूम करके रखा है. ये घर पे ही मैंने वैक्यूम किया है अमेज़ॉन से, मेरा मोस्टली जितना भी स्टफ़ है वो अमेज़ॉन से ही आता है. सो ये मैंने पूरा वैक्यूम करके रखा है. और एक ये हुडी है इसके अंदर, ये भी काफ़ी मोटी हुडी है पर्पल कलर की, सो इसको भी मैंने इसके साथ वैक्यूम कर दिया ताकि स्पेस कम ले. इसके अलावा आ जाते हैं हुडीज़ की बात चल रही थी, तो एक मेरे पास ये जिपर है, उसके अलावा एक हुडी ये है एक ब्लैक कलर की. देन टोटल 1 2 3 4 5 6 मेरे पास मतलब ये मोटी हुडीज़ हैं, उसके साथ 1 2 3 जो हैं ये मेरे पास ये नॉर्मल है, मतलब उतनी ज़्यादा मोटी नहीं है बट हाँ ठीक ठीक है. सो 6 + 3 9 होगी टोटल. एथनिक वेयर में मैंने 2 ये लिए हैं मेरे पास कुर्ते पजामे, एक येलो और वाइट और एक है पूरा ग्रे कलर का. सो ये 2 कुर्ते पजामे मेरे पास एथनिक के लिए. कमिंग टू द लोअर्स, मुझे मैं ज़्यादातर लोअर्स में रहता हूँ, मुझे लोअर्स पहनना बहुत पसंद है. सो 1 2 3 4 5 5 लोअर्स हैं और एक ट्रैक सूट रखा है मैंने. देखो फाइनल नहीं है ये, मैं इन सबको बैग में डालूंगा, उसके बाद देखेंगे कि अपने पास कितनी स्पेस बच रही है या फिर वेट ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है, उस हिसाब से मैं चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हैं. बट हाँ अभी के लिए मैंने इतना सामान निकाला है. दिस ऑल आर द अंडरगारमेंट सेक्शंस. तो जैसा कि सब बोलते हैं मैंने वही सेम चीज़ फॉलो किया, मैंने 15 15 ले लिए, मतलब अंडरवेयर 15 है, उसके बाद अंडरशर्ट्स जो हैं ये 1 2 3 6 7 ये है मेरे पास, और एक मैं इनर लेके जा रहा हूँ वार्मर, क्योंकि सब बोलते हैं वहीं से लेना चाहिए, इंडिया वाले काम नहीं करते. सो एक मेरे पास फुल है, मतलब टॉप एंड बॉटम, और एक सिर्फ टॉप है, सो ये लेके जा रहा हूँ. एक मेरे पास ये डीकैथलॉन के ग्लव्स मैंने लिए हैं नॉर्मल, मतलब है वुलन में है, आई डोंट नो उतने गर्म या उतनी ठंड, वो मैं वहाँ पे जाके देख लूँ. ग्लव्स वगैरह जो है ये एक और पेयर है मेरे पास, ये भी डीकैथ का है, ठीक है. इसके साथ ये तो एक हेडबैंड है, इसको छोड़ो. एंड सॉक्स हैं ये, हाँ यहाँ पे कुछ सॉक्स हैं, कुछ मुझे ऐड भी करनी है. ये 2 एंकल हैं और ये बिलो एंकल हैं, ज़्यादातर हम लोग मैं अभी तक यही पहनता था वुलन सॉक्स, और वो सब मैं देख लूँगा कि इफ़ आई वॉन्ट और आई डोंट वॉन्ट, जो भी है वहाँ पे ठंड के हिसाब से अगर चाहिए होगी तो एक दो पेयर वो ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. उसके अलावा ये भी डीकैथ से लिया था मैंने, ये नेक पे पहनते हैं सॉर्ट ऑफ मफलर, और ये कैप भी मैंने डीकैथ से ही ली है. सो डीकैथलॉन की सारे कहते हैं कि इंडिया में इकलौता स्टोर है जिसकी विंटर वेयर जो है वो कनाडा में आपको काम आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे. सो ये 2 चीज़ें मैंने ये ली हैं, और एक ये मफलर मम्मी लाई थी तो ये मैं इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि मम्मी लाई थी. सो ठीक है, ये थोड़ा अपना ये वाला सामान हो गया. इसके अलावा अब 2 मेरे पास ये हैं कार्गोज हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं बाहर ज़्यादातर जीन्स नहीं पहनता हूँ, मैं कार्गोज में ही रहता हूँ, वहाँ पर मुझे पता नहीं कि अगर कोई ड्रेस कोड होगा नहीं होगा क्या होगा. तो 2 मेरे पास कार्गोज हैं, एक ब्लैक कलर का है एक ग्रीन कलर का है. बट हाँ इनकी एक बहुत अच्छी बात है, इनको जल्दी धोना नहीं पड़ता, ये आपके 15-20 दिन आराम से निकाल देते हैं अगर आप रोज़ भी पहनो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ख़राब भी नहीं होते और कपड़ा भी अच्छा रहता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. 2 कार्गोज हैं, एक ये 1 2 और 3 मेरे पास सॉर्ट ऑफ जिपर्स मान लो आप, कि जो नॉर्मल मॉडरेट टेम्परेचर्स में चल जाते हैं, ठीक है. ये ज़्यादा मोटे नहीं है बट हाँ मुझे पसंद है पहनने तो इसलिए मैं लेके जा रहा हूँ. ये नॉर्मल टेम्परेचर जैसे समर्स और विंटर्स के बीच का जो होता है उसमें चल जाते हैं, क्योंकि मैं वैंकूवर जा रहा हूँ तो वहाँ पे टेम्परेचर्स नॉर्मल रहते हैं. विंटर्स में होती है विंटर्स बट ऐसा टेम्परेचर भी रहता है जहाँ पे आपको ऐसे कपड़े चाहिए, तो इसलिए 3 मैंने ये रखे हैं. ये तो इंटरनेशनल अपने हो गए ना, इंटरनेशनल एडाप्टर्स होते हैं जो ये लेके रखे हैं मैंने. मेरे पास 6 हैं, बहुत ज़्यादा हैं आई थिंक, आप 2 3 भी ले सकते हो, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है. बेड शीट्स
एक बेडशीट ये है, दूसरी बेडशीट ये है, दो बेडशीट्स रखी हैं मैंने, और इसमें हैं मेरे हैंड टॉवल्स, दो हैंड टॉवल्स हैं ब्लू कलर के जो दिख रहे हैं, ये भी वैक्यूम करके रखा मैंने क्योंकि थोड़ा सा पफ्ड था, स्पेस ज़्यादा लेता इसलिए वैक्यूम कर दिया। और ये जो है ये ऊपर लेने वाली सॉर्ट ऑफ जिसको दोहर कहते हैं, जिनको समझ आएगा ठीक है, ये तो एक मतलब ज़्यादा मोटी नहीं होती, नॉर्मल आप मतलब जैसे एसी वगैरह जब लगाते हैं हम गर्मियों में तो भी कुछ चाहिए होता है, तो उसी पर्पज़ के लिए काम आता है, उतना ही स्टफ़ है, ज़्यादा मोटा नहीं है, तो इसको वैक्यूम कर लिया ताकि स्पेस कम ले ले। देन कमिंग ऑन टू शर्ट्स, ये शर्ट्स हैं थोड़ी सी कैजुअल और फॉर्मल मिक्स हैं, बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 शर्ट्स हैं मेरे पास, कॉलेज वगैरह में मान लो या फिर यू नो बाहर कभी गए तो मतलब शर्ट्स चाहिए ही रहती हैं, राइट। सो 8 शर्ट्स हैं, जो पहनते हैं ठीक है, जो नहीं पहनते वो इसको अवॉइड कर सकते हैं। ये एक मेडिकल बैग है जिसमें अभी हम मेडिसिंस वगैरह डालेंगे, उसके लिए भी मैं वीडियो डाल दूंगा अलग से, तो जस्ट टू लेट यू नो, एक मेडिकल बैग, एक ट्रैवल बैग ले रखा मैंने ऐसा जो मैं साथ में कैरी करूँगा, इसमें अपना पासपोर्ट वगैरह थोड़ा बहुत कैश रख लिया ताकि आपको बार बार जो आपका मेन जो बैकपैक वगैरह वो खोलना ना पड़े। उसके बाद ये शॉर्ट्स रखे हैं मैंने घर में पहनने के लिए, या फिर अगर बाहर पॉसिबल हुआ, उतना टेम्परेचर अलाउ किया तो, 1, 2, 3 शॉर्ट्स, ज़्यादा नहीं। उसके बाद कमिंग टू अवर कैजुअल स्टफ, जो टी शर्ट्स वगैरह अपनी मेन रहती, टी शर्ट्स में मैंने थोड़ी सी, मेरे को मतलब ऐसे मर्चेंडाइज कलेक्ट करने का शौक है, तो थोड़ी एनिमे वाली है ये भी, मतलब थोड़ी मर्चेंडाइज ही है जो आजकल मिल रही है, मतलब ओवरसाइज है मोस्टली सारी चीज़ें, सारी ये वाली टी शर्ट्स ओवरसाइज हैं, और जो ये वाली दो पाइल्स हैं ये सारी हैं, मतलब ऑलमोस्ट हर कलर में, थोड़े कलरफुल क्लोथ पहनना अच्छा लगता है, वहाँ पे तो सब बेसिक ही मिलेगा, सो यहाँ से थोड़े बहुत ऐसे प्रिंटेड और ऐसे मैं टी शर्ट्स लेके जा रहा हूँ, ये होंगी कुछ अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 15-20 टी शर्ट्स होंगी कैजुअल पहनने के लिए या फिर कॉलेज जाने के लिए, कुछ भी बोल सकते हो। और दो फॉर्मल सूट्स मैंने रखे हैं, एक ये वाइन कलर का है पूरा सूट है, और एक वो है ब्लैक कलर का, ठीक है, ब्रांड की बात हम नहीं करेंगे, इतना बता दूँ वो ब्लैक वाला मैंने रिसेंटली स्टिच करवाया हुआ और ये मेरा पहले से सूट है, सो ये दो सूट मैं लेके जा रहा हूँ। इसके बाद कमिंग टू द फुटवेयर, मैं बता दूँ एक चप्पल लिया मैंने, इसका ब्रांड तो क्या ही छुपाऊँ मैं, इसका दिख ही गया है, क्रॉक्स है ये, क्योंकि सॉक्स वगैरह भी अगर आप पहनते तो ईजिली स्लाइड ऑन देते हो, मुझे क्रॉक्स की आदत है, एक मैंने क्रॉक्स लिए। उसके बाद एक ये फॉर्मल शू ब्लैक कलर के, आई डोंट नो अगर दिख रहे हैं ढंग से कि नहीं, बट हाँ ब्लैक कलर के हैं, एंड दो मेरे पास कैजुअल शूज़ हैं जो मैं लेके जा रहा हूँ, ब्लैक कलर के ही हैं ये दोनों, तो ये मेरा बस 4 फुटवेयर है इतना सा, और 3 पेयर ऑफ बेल्ट, एक ब्राउन, एक टैन, एक ब्लैक, आई थिंक 4 हैं, ये 3 नहीं है, हाँ 4 हैं, 2 ब्लैक, एक ब्राउन, एक टैन, ठीक है। सो ये सारा है मतलब अपनी सारी क्लोथिंग जो मैं डालने वाला हूँ अपने सूटकेस के अंदर, और हाँ अगर थोड़ा बहुत लाइक यू नो वेट कम ज़्यादा हुआ तो देख लेंगे। सो दिस वाज ऑल, ये थी मेरी पूरी लिस्ट जो मैं क्लोथ्स में ले रहा हूँ, अगर मैंने कुछ मिस किया है, यू थिंक मैंने कुछ मिस कर दिया है या फिर यहाँ वहाँ कुछ कर दिया है, यहाँ पर यू नो स्किप हो गई कोई चीज़ या कुछ भी आपको पूछना है, सो प्लीज़ डू कमेंट, डू DM मी ऑन इंस्टाग्राम, अभी एज आई ऑलरेडी सेड कि मेरे पास बहुत टाइम है भी, हम बात कर सकते हैं, आपकी कुछ भी क्वेरी होगी वो कर लेंगे सॉल्व, और उसके अलावा भाई वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड वेट फॉर द मोर कंटेंट, कि किस टाइप का कंटेंट चाहिए एक बार वो भी कमेंट कर देना, क्या भैया इस टाइप का हमें कंटेंट देखना है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो भी है तो मैं ट्राई करूँगा वो भी आप तक लाने का। सो आगे बहुत ज़्यादा वीडियोज आएंगी, सो स्टे ट्यून्ड, एंड हाँ इसके बाद एक वीडियो और आएगी मेरी यूटेंसिल्स को लेके, और एक शायद और आएगी मेडिसिंस को लेके इंडिया में, उसके बाद बाकी की वीडियोस आउट ऑफ इंडिया ही रहेंगी सारी, तो चलते हैं कनाडा एंड शुरू करते हैं अपनी न्यू जर्नी, सो बाय गाइस, बाय फॉर नाउ, सी यू लेटर।